महाराष्ट्र और हरियाणा के लिए बीजेपी आज घोषित कर सकती है उम्मीदवारों की लिस्ट। एक दिन पहले ही बीजेपी चुनाव समिति की हुई थी अहम बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली मीटिंग में प्रत्याशियों के नाम पर लगी है मोहर। मुंबई चुनाव में लड़ने वाले ठाकरे परिवार के पहले सदस्य होंगे आदित्य ठाकरे। वर्ली विधानसभा से लड़ सकते हैं चुनाव। वर्ली में आज चुनावी रैली में होगा नाम का ऐलान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 51 उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी। अशोक चौहान बोकर सीट से लड़ेंगे चुनाव। सुशील कुमार शिंदे की बेटी प्रणीति को भी मिला टिकट। आज चेन्नई के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। IIT दीक्षांत समारोह में करेंगे शिरकत। सिंगापुर भारत हैकथॉन के पुरस्कार वितरण समारोह को करेंगे संबोधित। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यूपी और बिहार में बाढ़ के हालातों पर जताई चिंता। केंद्र सरकार से प्रभावित राज्यों की मदद करने का किया अनुरोध। उत्तराखंड में बीजेपी का बड़ा एक्शन। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते 40 नेताओं को पद से हटाने का किया फैसला। जल्द ही इन नेताओं के निष्कासन की कार्रवाई होगी पूरी। अयोध्या मामले में आज 34वें दिन होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की 5 सदस्यीय पीठ सुनेगी दलीलें। आज भी 1 घंटे अतिरिक्त होगी सुनवाई। फारूक अब्दुल्ला के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज गृह मंत्रालय को देना है जवाब। MDMK नेता वाइको ने कैद करने का लगाया था आरोप। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सांसद शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी का ऑफर। कहा पार्टी का विलय कर ले तो उनके खिलाफ दायर अर्जी वापस ले लेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा का विवादित बयान। निगम आयुक्त सभाजीत यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए दी धमकी। ईरान ने इशारों में अमेरिका को चेताया। रक्षा मंत्री अमीर हातमी ने कहा किसी भी आक्रामक कृत्य का ईरान देगा करारा जवाब। विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे के पिता का ब्रिटेन के अधिकारियों पर आरोप। कहा जेल में असांजे के साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे अधिकारी। अमेरिका के इशारे पर किया जा रहा है परेशान। संसद निलंबित करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने महारानी से मांगी माफी। ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने भी पीएम के इस फैसले को बताया था असंवैधानिक। चीन की 70वीं वर्षगांठ से पहले हांगकांग में बढ़ा विवाद। हजारों लोगों ने निकाला पैदल मार्च। सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ लोग कर रहे हैं प्रदर्शन। बांग्लादेश के वित्त मंत्री AHM मुस्तफा कमाल का बयान। कहा उनके देश की आर्थिक विकास दर अगले 5 सालों में दोहरे अंकों में होगी। लाल निशान के साथ खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स 252 अंकों की गिरावट के साथ 38,569 पर पहुंचा। निफ्टी 72 अंक लुढ़क कर 11,439 के स्तर पर कर रहा है कारोबार। आज जारी होगा IRCTC का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आम जनता के लिए खुलेंगे IRCTC में निवेश के दरवाजे। IRCTC ने IPO के जरिए 500 से 600 करोड़ रुपए जुटाने का रखा है लक्ष्य। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने ई कॉमर्स कंपनीज पर लगाया आरोप। कहा कम कीमत पर सामान बेचकर नियमों का उल्लंघन कर रही हैं कंपनियां। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ज्ञापन सौंप कर जांच कराने की मांग की। मंदी के बीच आज मारुति लॉन्च करेगी सबसे सस्ती SUV। शुरुआती कीमत 4 लाख के आसपास रहने का अनुमान। पिछले हफ्ते मारुति ने शेयर की थी तस्वीरें। रेनो क्विड को सीधी टक्कर देगी ये कार। और आज मजबूती के साथ हुई रुपए की शुरुआत। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया आज 14 पैसे मजबूत होकर 70.42 के स्तर पर खुला। पिछले कारोबारी सत्र में ये 70.56 के स्तर पर हुआ था बंद।